तो हेलो गाइस, तुम लोग कैसे हो? उम्मीद तो करता हूँ कि एकदम बढ़िया और एकदम मस्त होंगे। तो गाइस यार, हम लोगों को मैं बोला था कि यार मेरा पेमेंट आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट देख सकते हो भाई। कोई यार देखो, यूट्यूबर तो पेमेंट ऐसे दिखाता नहीं है, बस मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मेरा 9480 रुपये जैसा कुछ आया है, और मेरा नीचे में जो दिखा रहा है वो तो अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है। तो उस पर आप लोग ध्यान मत देना, ऊपर वाले में ध्यान रखते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कि 25 तारीख को आया है, ठीक है। तो 25 तारीख को आया था, मैं थोड़ा सा लेट से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार मतलब डॉलर से आता है ना, तो उसको मतलब बैंक में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। डॉलर से होता है ना, उसको पैसे में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद मिलता है, इसीलिए। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इसके लिए चार्ज वगैरह भी कट के लिया है बैंक वालों ने, क्योंकि यार वो लोग बता रहे कि यार इस तरफ की बाहर से कुछ पेमेंट वगैरह आने के लिए कुछ उसके लिए चार्ज वगैरह लगते। तो चार्ज तो उस टाइम मैं लेके बैंक में नहीं गया था इसके लिए, तो भाई वहाँ से ही पूरा देख लिया, काट लिया है। तो जो भी है भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अगर इवेंट की बात करें, तो भाई आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता था कि यार विक्रम भाई, हमारा जो एक्सीमेट की स्किन है वो एक्सीमेट की स्किन कहाँ गया? तो देखो यार, आप लोगों का जो चिकन एक्सीमेट की स्किन है ना, ये मैं आप लोगों को इसके पहले भी एक बार वीडियो जब बनाया था उस टाइम बता दिया था कि आने वाली अपडेट के बाद आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी के टाइम पर देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई, देखने के लिए मिलने का चांस अभी के टाइम पर बहुत ही कम है भाई, लेकिन अपडेट के बाद देखने के लिए मिलेगा 100-1% कन्फर्म है। आप लोग पकड़ के चल सकते हो कि 17 अप्रैल के बाद आप लोगों को के अंदर ये वाला जो चिकन वाला एक्सीमेंट है 100-1% कंफर्म देखने के लिए मिल जाएगा। देखो अभी इवेंट कुछ इसी टाइप का हो सकता है, ठीक है। इवेंट थोड़ा सा चेंजेस भी हो सकता है आने वाले अपडेट के बाद, मैं आप लोगों को जरूर से कंफर्म कर दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों का एक ओपी टाइप का इवेंट, जिसके अंदर से भाई यहाँ पर आप लोगों का कुछ क्रिएट वगैरह के अंदर है ना ऑफर देखने के लिए मिलेगा। अभी फिलहाल में यहाँ पर आप लोग ऑफर तो नहीं देख सकते, यहाँ पे 40 डायमंड का 50 डायमंड का क्रिएट को खरीदना पड़ता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों को इसको दिखा रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि इस पर आप लोग को ऑफर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। मैं कोई भी इवेंट को दिखाता हूँ तो उसका मतलब यही है कि उस पर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ही। वैसे में ही भाई इस इवेंट के अंदर भी आप लोग को ऑफर देखने के लिए मिलेगा। अभी देखो ऑफर कब आएगा ये तो मैं अभी के टाइम पे तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आने वाले कुछ दिन के अंदर ही ऑफर आप लोग को देखने के लिए जरूर मिलेगा। देखो फिलहाल में अभी तो इसका डेट तो कन्फर्म नहीं हुआ है, क्योंकि यार कुछ सर्वर के अंदर अभी तक आया भी नहीं है, पहले बाहर के कुछ सर्वर के अंदर आना स्टार्ट होगा, उसके बाद आप लोग को इंडियन सर्वर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि बहुत दिन हो चुका क्रिएट के अंदर से ऑफर देने के लिए नहीं मिला है इसके लिए भाई। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी सारा भाई का मेरे पास ये कमेंट आते रहते कि अरे विक्रम भाई, EMA 27 का जो इवेंट है वो अभी तक क्यों नहीं है, और आएगा तो कब आएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ही बात कंफर्मेशन करके बता सकता हूँ कि देखो भाई, EMA 27 के ऊपर तो मैं इतना ऊपर वीडियो बनाता नहीं हूँ, क्योंकि भाई देखो कब आएगा ये डेट तो अभी कंफर्म कुछ भी हुआ ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को कहाँ से बताऊँ। इसलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ें बताना चाहता हूँ, देखो अगर आने वाले 17 अप्रैल के पहले देखने के लिए मिलता है तो भाई बहुत अच्छा, अगर 17 अप्रैल के पहले देखने के लिए नहीं मिलता है तो भाई इस मंथ का एकदम लास्ट वीक के अंदर मिल सकता है, ठीक है। अभी कन्फर्म तो कहूँगा नहीं। इसके बाद में अगर मिस्ट्री सब की बात करें तो भाई ये तो पूरे का पूरे 101% कन्फर्म है कि आप लोग को 4 अप्रैल को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 अप्रैल को आप लोगों का गेम के अंदर मिस्ट्री सप्लीमेंट आ जाएगा। फिलहाल में उसका जो बंडल वगैरह होगा ये तो आप लोग बैनर के अंदर ही देख लिया और वीडियो के अंदर भी देख लिया कि आप लोग का बंडल वगैरह जो है कौन सा होगा। हाँ भाई, वही ब्लू कलर का मेल वाला बंडल और ब्लू कलर की फीमेल वाला बंडल, वही दोनों बंडल आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आने वाले 4 तारीख को आप लोगों को मिस्ट्री शॉप आ जाएगा। इसके बाद में कैसे अगर नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो कुछ भाइयों का मेरे पास ये कमेंट था कि यार विक्रम भाई, डबल डायमंड की टॉपअप बोनस इवेंट कहाँ गया? तो देखो ये डबल डायमंड की जो टॉपअप बोनस इवेंट है, बताया जा रहा है कि आप लोग का 10 अप्रैल के पहले पहले देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अभी देखो 10 अप्रैल के पहले देखने के लिए मिलेगा, इसका मतलब यही है कि कल भी देखने के लिए मिल सकता है, परसों भी देखने के लिए मिल सकता है, कभी भी, ठीक है। 10 अप्रैल के पहले देखने के लिए मिलने का चांस है। अभी देखो कंफर्म तो कुछ भी हुआ नहीं है, बस ऐसा लीक्स निकल के आया है कि आप लोग को 10 अप्रैल के पहले पहले देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अभी कंफर्म कुछ भी हुआ नहीं है, कंफर्म होते ही मैं आप लोग को तुरंत उसका बैनर के साथ कंफर्म करा दूंगा। इसके बाद में कैसे यहाँ पर अगर बात करें कि आप लोग का स्कार 2.0 के बारे में, तो भाई ये तो आप लोग का नेक्स्ट वर्ल्ड पे या फिर उसके बाद जो वर्ल्ड आएगा उस पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। टेंशन मत करो भाई, अभी तो देखो अपडेट आएगा, अपडेट के बाद आप लोग का गेम के फाइल के अंदर इसको ऐड कर देगा, अगर ना उसके बाद जब वर्ल्ड को चेंज करेगा तो उसी टाइम आप लोग का जो न्यू
गन स्किन देगा तो उसी टाइम आप लोग का पहले इवोस का 2.0 ही दे देगा, क्योंकि ये इवोस का 2.0 बहुत दिन से पेंडिंग करके रखा है। इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाले कुछ ही दिन के अंदर बस इसका इवो वर्ल्ड जब इवेंट आएगा उस टाइम ही देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद मैं गाइस यहाँ पर आप लोग और एक इवेंट देख सकते हो, जिस इवेंट के बारे में आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई आने वाले कुछ दिन के अंदर इस टाइप का आप लोग का एप्पल फूल वाला कुछ बंडल देखने के लिए मिलेगा, जो भाई एकदम गजब और ओपी टाइप का है भाई। इसके अंदर रूप बदलो बंडल है भाई, बहुत अच्छा बंडल है। साथ ही साथ भाई ऊपर में आप लोग एक गाड़ी का स्किन भी देख सकते हो, जो यार बहुत ही ओपी टाइप का है, एकदम मतलब क्या बताऊँ न्यू टाइप का है भाई। इस तरफ की बहुत कम कार की स्किन आप लोग को डिजाइन करता है ग्रेना, तो कार की स्किन भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ भाई यहाँ पे गुलाल की स्किन की बात करें तो ये भी कुछ लेजेंडरी और ओपी टाइप का है, तो इसको भी आप लोग यार बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो भाई। देखो यहाँ पे कोई ना कोई आइटम को निकालने के लिए भाई 1000 से 1500 डायमंड जरूर लगेगा, तो इतना डायमंड को खर्च करके यार एक चीज को यहाँ से आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप लोग को सभी रिवॉर्ड पसंद आते हैं तो भी आप लोग निकाल सकते हो। बाकी यार कौन कौन से भाई लोग इस मंडल के लिए मतलब डायमंड वेस्ट करके जरूर बताना। इसके बाद में गाइस यहाँ पे देखो कमेंट की बात करें तो यहाँ पे एंजेली पेंट करके लिखा है, उसके बाद में भाई को मेरा कमेंट वायरल हुआ करके लिखा है, तो जो भी है भाई उसके बाद में दादा मैं भी तो आपका सब्सक्राइबर हूँ, मेरा का तो कोई रिप्लाई तो दो इस टाइप का कमेंट किया है कि यार कुछ ये फिस्ट किन के बारे में पूछा है भाई ने, तो जो भी है भाई देखो ये जब फिस्ट किन का मेरे को पता चलेगा तो मैं आप लोग को ज़रूर से कमेंट में बता दूंगा, कमेंट में नहीं आप लोग को वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। इसके बाद में तुम सही बोल रहे हो, गेरेना को थॉम्सन नहीं डालना था भाई, तुमने तो पहले ही फेस रिवील कर दिया थे, तो देखो फेस रिवील से कोई दिक्कत नहीं है भाई, फेस रिवील तो मैं एकदम पहले से ही कर दिया हूँ, क्योंकि यार फेस छुपा के क्या होगा भाई, फेस से ही सब कुछ होता है भाई, जब पहचान हो ना तो फेस से पहचान, तो इसके लिए मैं फेस रिवील पहले ही कर दिया था। तो यार बहुत सारे भाई लोग हैं जिसको अभी तक मेरा फेस रिवील देखा नहीं है, तो जो भी है भाई उसके लिए फेस रिवील अलग से आ जाएगा। साथ ही साथ इसके बाद मैं बात करके बाकी मतलब कमेंट्स कर में यहाँ पे भाग ने कमेंट किया है कि भाई उज्जवल गेमिंग फेक वीडियो बनाता है, पहले मैं वो उसका वीडियो देखा करता था, वो जो बताते हैं वो तो कंफर्म होता नहीं है, कभी कभी टाइम पर भी नहीं आता है, उज्जवल गेमिंग फेक है करके लिखा है। तो देखो भाई मैं तो आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा कि यार कोई भी यूट्यूबर को कभी भी फेक मत बोलना, क्योंकि यार एक न्यू वीडियो को भी बनाने में मतलब एक अच्छा वीडियो की बनाने में जितना मेहनत लगता है, एक फेक वीडियो को भी बनाने में उससे ज़्यादा मेहनत लगता है भाई। क्योंकि देखो हम लोग तो डेट कंफर्म होता है जो वही बता देते, लेकिन जो डेट कंफर्म नहीं है उसको वो डेट सोच के बताना पड़ता है कि हाँ मेरा चैनल है भाई, कुछ भी हो सकता है, ऐसे में उसको बहुत रिस्क लेने के बाद वीडियो को अपलोड करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि कभी भी कोई यूट्यूबर को फेक मत बोलना, क्योंकि उसके लिए भी वो बहुत मेहनत करता है भाई वीडियो के लिए। तो जो भी है भाई मेरे तरफ से तो मैं यही बात बोलूँगा, लेकिन यार बाकी लोग अगर मेरे को फेक कहेगा तो यार मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कह सकते हो, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा कि कोई भी छोटे यूट्यूबर या फिर बड़े यूट्यूबर हो किसी को भी फेक यूट्यूबर कभी भी मत कहना, क्योंकि भाई ये गलत है भाई। तो उम्मीद करता हूँ तो आप लोग समझ गए, इसके बाद मैं तुम्हारा अंदाज से नेक्स्ट ओवर मतलब कौन सा रिटर्न आ सकता है करके लिखा है, तो मेरे अंदर से अगर कहूँ ना तो इस वीडियो के अंदर एकदम लास्ट में जाके बताऊंगा, ठीक है, तो इन तक देखते रहो। साथ ही साथ इसके बाद में यहाँ पे भाई का कमेंट है कि विक्रम भाई शादी कब करोगी, तो यार शादी क्या है यार, मतलब शादी में अभी बहुत टाइम लगेगा भाई, क्योंकि यार शादी करने का कोई अभी मन ही नहीं है, जब मन करेगा शादी करने का तो कर लूँगा, क्योंकि यार देखो मतलब क्या बताऊँ अकेले अकेले मतलब जिंदा रहना पड़ता है अभी के टाइम पे। मम्मी पापा तो मेरे को यार जब 7 साल की थी तब तो छोड़ के चला गया है, और मेरे को अकेले अकेले मतलब जीना पड़ रहा है अभी के टाइम पे। तो यार 7 साल का जब थी उस टाइम ही दोनों गुजर गया, तो मैं यार क्या करूँ, मैं तो इसको कुछ कर नहीं सकता हूँ ना उस टाइम पे, मैं बहुत छोटा था तब, तो इसके लिए भाई अभी अकेले अकेले सब कुछ करना पड़ता है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है भाई, इसके वजह से सब कुछ हो रहा है, तो जो भी है भाई आने वाले दिन में भी आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत आगे जाऊंगा। इसके बाद में गाइस यहां पर अगर बात करिए आप लोगों का बनी बंडल रिटर्न के बारे में, तो भाई आप लोगों का जो बनी बंडल है भाई इसके बारे में मेरे को एक लीक्स मिला है भाई। देखो कोई ना कोई बनी बंडल एक भी अगर होता है तो भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी मतलब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अभी उज्जवल गेमिंग ने बोला है कि 12 अप्रैल को, लेकिन मैं आप लोगों को डेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो 12 अप्रैल कन्फर्म डेट नहीं है, ठीक है, अभी के टाइम पे
अब मैं अगर कहूँगा तो 12 अप्रैल भाई कंफर्म नहीं है, तो मैं आप लोगों को 12 अप्रैल कहाँ से कहूँ, लेकिन भाई आने वाले कुछ दिन के अंदर आप लोगों को ज़रूर इसका इवेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बनी मंडल की कोई ना कोई इवेंट, छोटा से लेकर बड़ा कोई ना कोई एक इवेंट आप लोग को ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, उस पर आप लोग को कोई ना से कोई एक बनी मंडल रिटर्न ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर सब एक साथ आ जाते तो बहुत बढ़िया है, अगर सब एक साथ नहीं देता है तो कोई एक भी ग्रहण आप लोग को ज़रूर से रिटर्न देगा, ठीक है। मैं आप लोग को पहले से कन्फर्म कर देता हूँ। इसके बाद में कैसे अगर बात करें कि आप लोग का गोल्डन सेट मंडल रिटर्न करने, तो भाई देखो ये गोल्डन सेट का है ना एकदम मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा हाई लीक से कि आप लोगों को इस मंथ पे आने का, ठीक है। अगर इस मंथ को भी आता है तो एकदम से लास्ट वीक के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे आने का चांस ना बहुत कम है भाई, क्योंकि अभी के टाइम पे मतलब आने का चांस क्यों कम है वो भी बता देता हूँ। अभी आरती ब्लू बंडल का सबसे पहला मतलब लिक्स मिल रहा है, तो देखते हैं कि कौन सा बंडल रिटर्न आता है। ऐसा भी हो सकता है कि आरती ब्लू बंडल को पेंडिंग करके गिरना गोल्डन सेट को भी दे दे, तो यार गिरना है भाई कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि गाइस इतना दिन से भाई थॉमसन को गिरना ही भोपाल के अंदर से चला रहा है और फिर से थॉमसन दिया भाई, ये एकदम से मेरे को बेकार लगा कि यार थॉमसन को अगर चेंज करके कोई दूसरा ही वो स्कार या फिर कोबरा M40 या फिर इस तरफ का कोई ड्रैको M10 M837 इस तरफ का कोई इवोगन दे देता ना तो लड़का लोग बहुत खुश हो जाता भाई। मेरे को तो यही लगता है भाई, आप लोग को क्या लगता है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो जो भी है भाई देखो आने वाले कुछ दिन के अंदर गोल्डन सेट का भी मंडल आप लोग को इवेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में अगर बात करें कि मेरे अंदाज से आप लोगों को कौन सा बंडल रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, तो भाई देखो मैं तो आप लोग को एक ही बात बताऊंगा कि यार कोबरा बंडल आने का चांस है, ठीक है। कोबरा बंडल ही ज़्यादा आने का चांस है, लेकिन भाई देखो आप लोग को एक चीज़ समझना भी पड़ेगा कि यार स्कॉर्पियो जो बंडल जो है वो अभी भी एक मत भी रिटर्न नहीं आया, ठीक है भाई। जितना बार आप लोग सोचोगे यार कोबरा बंडल 2 से 3 बार ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है, लेकिन जब से स्कॉर्पियो बंडल आया है तब से लेकर अभी तक एक बार भी स्कॉर्पियो बंडल रिटर्न नहीं आया। तो ऐसा भी गिरना कर सकते कि आप लोग का स्कॉर्पियो बंडल को पहले दे सकते, क्योंकि वो अभी तक एक बार भी रिटर्न नहीं मिला है इसके लिए। तो देखो कोबरा MP40 कब आएगा ये तो मैं जानता हूँ भाई, ऑलरेडी जानता हूँ, ठीक है। मैं फाइल के अंदर देख चुका हूँ कि कोबरा MP40 कब आएगा। कोबरा MP40 आएगा आप लोग का जुलाई के मंथ में, ठीक है भाई। अभी बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम। तो मेरे को तो यही लगता है कि यार गिरना कुछ ऐसा ही करेगा, शायद सबसे पहले आप लोग का स्कॉर्पियो बंडल को ही दे देगा, उसके मतलब शायद जुलाई के टाइम पे आप लोग का जब कोबरा MP40 आएगा तो उस टाइम कोबरा बंडल को भी रिटर्न करेगा उसी टाइम, मेरे को तो भाई यही लगता है। बाकी देखो आने वाले दिन में इसका तो इवेंट का नाम जरूर से कोई ना कोई पता चलेगा, जब इसके बारे में और कोई मेरे को पता चलेगा कुछ भी भाई इवेंट का नाम पता चलेगा तो मैं वीडियो के अंदर जरूर से शेयर करके बताऊंगा। लेकिन गाइस देखो कोबरा MP40 की अगर बात करें तो भाई सच्ची में कोबरा MP40 आने का चांस अभी बहुत कम है। कोबरा MP40 का आने का चांस है भाई जुलाई मंथ को, ठीक है। चांस नहीं है मतलब आएगा इस टाइप का मतलब सोच सकते हो आप लोग, क्योंकि भाई जो हम लोगों के पास इवेंट का सब कुछ होता है ना भाई फाइल वगैरह, उस फाइल के अंदर कोबरा MP40 का बैनर है भाई, कोबरा MP40 को शो करावा जा रहा है जुलाई के मंथ में, ठीक है। अभी के टाइम पे नहीं, अभी जो ये 2 महीने की फाइल है ना, मई मंथ की जून मंथ की, ये दोनों मंथ पे भाई कुछ भी फाइल के अंदर कोबरा MP40 या फिर कोबरा बंडल की कोई लिंक्स नहीं है मेरे पास। लेकिन आने वाले दिन में भाई इसका इवेंट आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगा, कोई भी टेंशन मत रहना। आज की वीडियो को तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन भाई उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोनों आप लोग जरूर से करके जाना। चलो भाई आप लोग अच्छे से गेम वगैरह खेल के रहो, और यार मतलब सुबह तो एकदम अच्छे से हो चुकी है शायद आप लोग का, तो चलो यार गुड मॉर्निंग गुड बाय जो भी है भाई, नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग जरूर से मिलेंगे और भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया सा इवेंट के साथ साथ।